हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 30 को, जो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम और फिर अपने कक्षा अध्यापक का नाम हम यहाँ लिखेंगे। आइए चलो हम देखते हैं अपनी वर्कशीट को। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। आइए अब हम देखते हैं अपनी वर्कशीट को। आप सभी स्कूल जाते थे, आजकल आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो बच्चों, एक नियम हमारी ज़िंदगी में बना हुआ है, सुबह 8 बजे हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ बच्चों की 10 बजे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चों, एक नियम के साथ हो रहा है। हमारी ज़िंदगी में नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्व रखते हैं हमारी ज़िंदगी में ये। इससे हमारी ज़िंदगी बेहतर बनती है। और दूसरा, बच्चों आप में से कुछ बच्चे डायरी लिखते होंगे और कुछ नहीं लिखते होंगे। जो बच्चे डायरी लिखते होंगे उनको ज़िंदगी का अनुभव कुछ अलग ही होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या को, अपनी डेली लाइफ को रात के समय बैठकर एक डायरी में उतार लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने पूरे दिन में क्या किया है, उनसे कौन सी गलतियां हुई हैं, उन्होंने क्या अचीव किया है, किस चीज़ में उनको शाबाशी मिली है, कौन सा काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया है और कौन सा उनको करना चाहिए था, उन्होंने पूरे दिन में कौन सी मौज मस्ती अपने परिवार के साथ मिलकर करी है। तो बच्चों, डायरी लिखना बहुत ही अच्छी आदत है हमारी। हम सबको डायरी ज़रूर लिखनी चाहिए, जिससे कि हमें अपने बारे में पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें क्या करना है, कौन सा हमने मनोरंजन का कार्य किया, अपने परिवार के साथ कितना टाइम हमने स्पेंड किया है। सब बातें हम रात को डायरी में लिखते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। बच्चों, ये वर्कशीट हमारी डायरी लेखन और नियम इसी पर आधारित है। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि एक परिवार बैठकर रात का भोजन कर रहा है और आपस में बातें करते हुए खाना खा रहे हैं। आइए हम देखते हैं हमारी वर्कशीट को। हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय 8:30 बजे करते हैं। सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिलकर बैठकर करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे मैं अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। आइए बच्चों, हम देखते हैं इसके प्रश्नों को। मेरे घर में कितने सदस्य हैं। बच्चों देखो, इसका उत्तर मैंने अपने घर के हिसाब से दिया है, आप सभी इसमें अपने घर के हिसाब से देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर किसी के घर में 5 सदस्य हैं तो 5 लिखेंगे, 6 सदस्य हैं 6 लिखेंगे, 4 हैं 4 लिखेंगे, 3 हैं 3 लिखेंगे। जैसे मेरे घर में 9 सदस्य हैं, मैं, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची, मेरे दादा दादी और मेरे चाचा की बेटी, तो हम कुल मिलाकर 9 सदस्य हो जाते हैं। वैसे ही आप अपने सदस्यों के बारे में लिखें। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार क्या घर में नियम होने ज़रूरी हैं और क्यों, अनुमान लगाइए। बच्चों देखो, नियम जैसा कि मैंने बताया कि हमें अनुशासन में लेकर आते हैं। जैसे आप स्कूल जाते थे, स्कूल में भी तो आपको कुछ नियमों के अनुसार ही बैठना पड़ता था, कुछ नियम होते थे, उससे क्या होता था कि आप एक अनुशासन को फॉलो करते थे। तो वही नियम हमारे घर में भी होने चाहिए, जिससे कि हम एक अनुशासन में रहें। नियम हमारे घर में कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों। जैसे कि सही समय पर उठना, सुबह 7 बजे बच्चों को उठ जाना चाहिए, सही समय पर खाना खाना, डेली एक्सरसाइज करना, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, शाम के टाइम अपने दोस्तों के साथ खेलना और रात का भोजन पूरे परिवार के साथ मिलकर बैठ के करना, अपना होमवर्क डेली पूरा करना। तो ये जो नियम होते हैं बच्चों, इससे क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी बेहतर बन जाती है। अगर हमारा नियम है कि हम डेली अपना होमवर्क पहले करेंगे उसके बाद खेलने जाएंगे, इस नियम से क्या होगा कि हमारा कोई भी काम पेंडिंग नहीं पड़ा रहेगा, जिससे हमारा सारा काम समय पर पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे घर में नियम होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि नियमों के क्या लाभ हो सकते हैं हमें। नियम हमें बेहतर विकल्प बनने में हमारी मदद करते हैं। बेहतर विकल्प मतलब बच्चों यहाँ पर है
कि हम जब हम नियमों को फॉलो करते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, तो हम जब एक बेहतर इंसान बनकर सामने आते हैं, हमारा जो फ्यूचर होगा वो एक बेहतर दिशा की तरफ होगा। नियम हमें जीवन के शुरुआती चरणों में आत्म अनुशासन सिखाने में हमारी मदद करेंगे। नियम हमें यह समझने में मदद करते हैं कि प्रत्येक सदस्य में परिवार की क्या उम्मीदें हैं। जब हम सारे मिलकर बैठकर एक साथ भोजन करते हैं, तो हमारे बड़े हमसे ये बताते हैं कि बच्चों आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे बैठना चाहिए, आपको बड़ों से ऐसी बातें करनी चाहिए, तो वो अपनी उम्मीदें हमें बताते हैं और छोटे भी ऐसे ही अपनी उम्मीदों को व्यक्त करते हैं कि वो हमसे क्या उम्मीद ले लगाते हैं। नियम हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति परिवार का हिस्सा है और उससे एक भूमिका निभाने की जरूरत है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों देखो, परिवार में बच्चे खाना टीवी देखकर खाते हैं, उनका क्या होता है, वो अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर नहीं करते, भाई बहन आपस में बातें शेयर नहीं करते, पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, सिर्फ खाना खाया, टीवी देखा और अपने अपने रूम्स में चले गए। बट बच्चों, जो बच्चे अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर बैठकर खाना खाते हैं या कुछ समय अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के खेलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे क्या होता है, उनसे हमारे जो आपसी संबंध हैं वो अच्छे होते हैं। हम बच्चे अपनी भावनाओं को अपने बड़ों को व्यक्त कर पाते हैं और बड़े भी अपनी भावनाओं को बच्चों के सामने व्यक्त कर पाते हैं, उससे हमारे संबंधों में एक गहरापन बनता है। मिलकर बातचीत करने से हमारे रिश्तों पर कई अच्छे प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे यह परिवार के सदस्यों के बीच एक बंधन बनाने में मदद करता है जो हमें जुड़ा हुआ महसूस कराता है। यह हमें अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने में मदद करता है, हम दूसरों से क्या चाहते हैं। हमारी समस्याओं को परिवार के सदस्यों के साथ साझा किया जाता है जो उन्हें आसानी से हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। बच्चों, इसके अलावा भी आपको और भी अच्छी बातें अपने संबंधों में लगती हैं तो आप यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी तरह आप भी किसी एक दिन की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। बच्चों, यहाँ पर मैंने अपना एक प्रारूप दिया है कि मैंने अपनी एक दिन की दिनचर्या को आपको बताया है, वैसे ही आप भी किसी एक दिन पर दिनचर्या को यहाँ पर लिखेंगे। 7 अगस्त 2020, शुक्रवार, 10 PM। प्रिय डायरी, आज शुक्रवार है। हमेशा की तरह मैं सुबह जल्दी उठी और नाश्ता करने और अन्य गतिविधियाँ शुरू करने से पहले कुछ योगा और व्यायाम किया। सुबह 10 बजे मैंने अपनी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जो बहुत मज़ेदार थी, क्योंकि हम सभी ने एक प्रश्नोत्तरी क्विज खेल खेला था और जिसमें हमने बहुत मज़ा किया। अपनी कक्षाओं के बाद मैंने अपना दोपहर का भोजन किया और फिर पढ़ाई के लिए चली गई। शाम को हमारे परिवार में सभी ने अंताक्षरी खेली और घर पर आनंद लिया। रात के खाने में मैंने अपना पसंदीदा आलू पराठा खाया। यह आज का सुखद अंत था और कल से एक नया दिन शुरू होगा। चलो बच्चों, यहाँ पर हमारी वर्कशीट नंबर 30 समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और मज़ा भी बहुत आया होगा। ऐसे ही बच्चों, अपने डेली लाइफ में अपने नियमों का पालन करते रहें, अपने परिवार से मेलजोल बढ़ाते रहें, अपने परिवार के सभी सदस्यों की बातों को, उनके इमोशंस को समझें और अपने जिंदगी में एक अच्छा नियम अपनाएं, वो है डायरी लेखन। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।